हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइबर्स, लाइकर्स, व्यूअर्स एंड रिस्पेक्टेड गार्जियंस, आज मैं राकेश शर्मा फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स चैनल के इस छठे लेक्चर के साथ फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज मैं अपने लेक्चर में गार्जियन शब्द को भी जोड़ रहा हूँ। जोड़ने का कारण है, जितने भी गार्जियन इस वीडियो को देख रहे होंगे वे अपने बच्चों को चेक कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं, तो अभी जो हम लोग छठा लेक्चर पढ़ेंगे, छठा लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। इसमें हम पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू चार्ज एंड असाइनमेंट। गार्जियंस कृपया ध्यान देंगे, इस छठे असाइनमेंट को हम डालेंगे इस छठे लेक्चर में, यानी छठा लेक्चर जो अभी हम बना रहे हैं इसमें इतना टॉपिक, जो सारा टॉपिक पीछे हम पढ़ा चुके हैं उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन है। अगर आपके बच्चे हमसे पढ़ते हो या कहीं अलग पढ़ते हो, उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका क्वेश्चन का आंसर आपका बच्चा सही बता रहा है या गलत बता रहा है, अगर आप वीडियो देखे हैं तो उसको चेक भी कर सकते हैं। तो इसलिए यह वीडियो गार्जियंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ हमारे जितने भी दोस्त टीचर हैं उनके लिए भी हमें पता है कि काफी हेल्पफुल है। हमारे जितने भी टीचर फ्रेंड्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि आपके पास जितने भी स्टूडेंट हैं, हम लोग का काम है अपने बच्चों के प्रति समर्पित होना, सहृदय भाव से उसको पढ़ाना, उसमें संस्कार भरना, उसमें सामाजिक सद्भाव भरना। अगर बच्चे सिर्फ पढ़ाई में आगे हैं तो किसी भी काम में वह आगे नहीं रह पाएंगे। बच्चों में हमें हर तरह का क्वालिटी फिलअप करना पड़ता है। तो पढ़ाई के साथ साथ हमारे टीचर दोस्त से मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों में इन क्वालिटी को भी फिलअप करने के लिए जितना भरसक हो सके उतना भरसक प्रयास कीजिए। हम लोग क्लास में बच्चे को डिसिप्लिन बनाने का भरसक प्रयास करते हैं, अनडिसिप्लिन बच्चों को जितना हो सके उतना उसे सजा दिया जाता है, उसे बेवकूफ बनाया जाता है, उसके गार्जियन को बुलाया जाता है, गार्जियन से संपर्क करके उन्हें किसी प्रकार से सुधारने का भरसक प्रयास किया जाता है। तो हमारे टीचर फ्रेंड से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चे में किसी प्रकार का कमी दिख रहा है तो उसे सुधारने के लिए आप भरसक प्रयास करें। अगर आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक में कोई टॉपिक छूट गया है, तो जो भी टॉपिक छूट जाता है उसको कंप्लीट करने के लिए आप इस वीडियो को देख के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ सर आपसे भी कुछ छूट गया है, तो हमारे टीचर दोस्तों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि कॉमेंट में हमें जरूर बताएं कि सर आपने इस टॉपिक को छोड़ दिया है। अगर नहीं छोड़ा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अवश्य दे अपने कमेंट में। तो चलते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है इसको देखते हैं। अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि पहले हम बता दिए हैं कि 12th का रूट होता है। इस इलेक्ट्रिक चार्ज के लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ज का डिफिनेशन क्या होता है, चार्ज का मेन फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद उसे न्यूमेरिकल बनाए थे। नेक्स्ट लेक्चर आया था 2, लेक्चर 2 में क्या क्या पढ़े थे, तो अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, उसके बाद वैल्यू ऑफ चार्ज और वैल्यू ऑफ मास, यह सब चीज पढ़े थे सेकेंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज ऑफ गिवन मास ऑफ एन एलिमेंट, देन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज ऑफ गिवन मास ऑफ ए कंपाउंड। तो इतना पढ़े थे थर्ड लेक्चर में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे फोर्थ लेक्चर में, फोर्थ लेक्चर में क्या पढ़े थे, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसमें सारे टॉपिक में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप लोग देखे थे, काफी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट लेक्चर 5वां आया था, 5वें लेक्चर में था चार्जिंग प्रोसेस, जिसमें 3 प्रोसेस बताए थे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। आज हम लोग का चल रहा है छठा लेक्चर, छठा लेक्चर में क्या पढ़ना है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चार्ज से रिलेटेड जो बच गया हुआ सब पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट के थ्रू अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने आप को चेक कर सकते हैं, अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट को चेक कर सकते हैं, और अगर आप गार्जियन हैं तो अपने बच्चे को चेक कर सकते हैं, और अगर आप व्यूअर हैं तो अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप जो पढ़े उसके आधार पर आप कितना क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाते हैं।
अगर आपसे किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हो पाता है तो कमेंट में हमें लिखे। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि लेक्चर 6 का पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में बहुत सारी चीज आप लोग पढ़ चुके हैं। अब इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, अगर यह क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर में कुछ पॉइंट्स बना के हमको लिखना पड़ेगा। क्या पॉइंट्स बना सकते हैं, सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि आवेश जो होता है वह अदिश राशि होता है। यह चीज पहले भी समझा चुके हैं कि आवेश जो होता है वह स्केलर होता है, और स्केलर होने के कारण उसको अगर जोड़ना होगा, घटाना होगा, गुना करना होगा, भाग करना होगा, तो सिंपल अलजेब्रिक मेथड से करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि यह संरक्षी होता है। इसमें आप लोग पढ़ चुके हैं आवेश का संरक्षण। आवेश के संरक्षण में आप लोग को समझाए थे कि आवेश जो होता है किसी भी निकाय का वह नियत होता है। नियत होता है मतलब संरक्षी होता है। संरक्षी होने का मतलब न बढ़ता है न घटता है। तो इस तरह आवेश जो होता है वह संरक्षी होता है। तीसरा प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि यह क्वांटमीकृत होता है। इस बात को आप लोगों को समझाया जा चुका है लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, यानी आवेश क्वांटमीकरण के सिद्धांत में। क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसमें फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो इस तरह आवेश जो होता है वह क्वांटमीकृत होता है। यह तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। चौथा आपका लिखा हुआ है कि आवेश का प्रवाह होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी चार्ज जो है वह फ्लो करता है, जो कि कॉन्टैक्ट में समझाए थे कि अनचार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में चार्ज बॉडी को लाते हैं तो चार्ज में से आवेश जो है वह चला जाता है अनचार्ज में। इसका मतलब आवेश का प्रवाह हुआ। तो आवेश का प्रवाह वास्तव में होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और यह चीज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल में। तो पोटेंशियल में जानिएगा कि हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल क्या होता है। अभी सीधा जान लीजिए कि आवेश का प्रवाह होता है लेकिन किधर से किधर होता है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। पांचवा पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर आवेश का नेचर सेम है तो सेम नेचर के आवेशों के बीच में विकर्षण होता है, और अपोजिट नेचर के आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। मतलब प्लस और प्लस के बीच में रिपल्सन होगा, माइनस और माइनस के बीच में रिपल्सन होगा, और प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो यह चीज तो आप लोग पहले से जान रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अगर हमको लिखना होगा तो इसमें से पॉइंट बना के कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं, या शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोगों का अगला टॉपिक है आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू चार्ज। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें आवेश का इतिहास पढ़ेंगे। मतलब आवेश का खोज किसने किया था, आवेश के बारे में कौन सा वैज्ञानिक ने क्या क्या बातें रखी थी, आवेश से रिलेटेड और जो पॉइंट सब है वह सारा के सारा पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा है पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि आवेश का खोज सर्वप्रथम किया था किसने, तो थेल्स ने। थेल्स कहाँ का था, तो मिलेटस का, और यह कब हुआ था, तो ईसा पूर्व 600 ईस्वी, यानी ईसा के डेथ के भी 600 साल पहले आवेश का खोज हुआ था थेल्स के द्वारा, जो था मिलेटस का। उसके बाद चलते हैं दूसरा पॉइंट में, वहां पर कैसे खोज हुआ था इसको समझिए। पीला पथरीला क्षेत्र था, पीला पथरीला क्षेत्र पर कपड़ा को रगड़ा गया था। जैसे ही कपड़ा को रगड़ा गया था, उसके बाद कपड़े को अगर उस क्षेत्र पर रख दिया गया था तो देखा था कि दोनों में आकर्षण हो रहा है। पीला पथरीला क्षेत्र पर कपड़ा रगड़ने के बाद दोनों में क्या होने लगा, तो आकर्षण होने लगा। उस टाइम लगा कि हाँ, दोनों के बीच में आकर्षण है। किस कारण आकर्षण है, तो उसी कारण का नाम दिया गया था कि हाँ, ये आवेशित हो गया है, और आवेशित हो गया है इसलिए दोनों में क्या है, तो आकर्षण है। तो इस तरह आवेश का खोज हुआ था। और इसमें दूसरा पॉइंट आप देखेंगे तो यही चीज लिखा हुआ है कि इसमें पीला पथरीला क्षेत्र में कपड़ा रगड़ने पर दोनों के बीच में आकर्षण पाया गया था, और उसी आकर्षण के कारण किसका खोज हुआ था, तो आवेश का खोज हुआ था। यह किसके द्वारा किया गया था, तो थेल्स के द्वारा किया गया था। इसमें एक चीज और जान लीजिए कि जिस पीला पथरीला क्षेत्र पर कपड़ा रगड़ने के बाद दोनों में आकर्षण हुआ था, उस क्षेत्र का नाम दिया गया था अंबर। अंबर क्या है, तो अंबर जो है वह पीला पथरीला क्षेत्र है जिस पर, जिसके आधार पर सबसे पहले चार्ज का खोज हुआ था। यानी जिस पीला पथरीला क्षेत्र के कारण चार्ज का खोज हुआ था, उस पीला पथरीला क्षेत्र को ही का नाम दिया गया था अंबर। आगे चलते हैं। अंबर जो है, अंबर का ही ग्रीक नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया था। ग्रीक में इसी अंबर का नाम दिया गया था, तो क्या, तो इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिएगा के है,
और इस इलेक्ट्रॉन से ही हम लोग का जो वर्ड इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिक चार्ज है या इलेक्ट्रिक फोर्स है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह सारा के सारा जो वर्ड बना है वह इसी इलेक्ट्रॉन्स वर्ड से बना है। और यह इलेक्ट्रॉन नाम किससे मिला है, तो इस अंबर से मिला है, यानी अंबर से ही सारा खोज का शुरुआत हुआ है। अगला पॉइंट आपको लिखा हुआ है कि आवेश जो होता है यह दो तरह का होता है, यह पढ़ चुके हैं आप लोग, आवेश दो तरह का होता है। इस बात को सबसे पहले कहा था चार्ल्स ड्यूफे ने, ड्यूफे ने सबसे पहले कहा था कि आवेश दो प्रकार का होता है। यह कैसे खोज कर पाया था, तो आप लोग जानते हैं कि कुछ बॉडी जो होता है वह पॉजिटिव हो जाता है और कुछ बॉडी निगेटिव हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि दो वस्तु को हम आपस में रगड़े तो एक पॉजिटिव हो जाता है दूसरा निगेटिव होता है, दोनों को सटाएंगे तो अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर कहीं अलग पर फिर उसी टाइप का दूसरा वस्तु को रगड़े और वो दोनों में से एक आए कि जो प्लस था और ये भी प्लस है उसको नजदीक लाएंगे तो रिपल्सन होगा। तो इस तरह वहां पर यह देखा गया था कि कुछ वस्तुओं के बीच में अट्रैक्शन भी हो रहा है और कुछ वस्तुओं के बीच में रिपल्सन भी हो रहा है। लेकिन बाद में चल के यह खोजा गया कि अगर ये दोनों को जोड़ा जाता है तो टोटल होता है जीरो। दोनों को जोड़ने पर टोटल क्या होता है, तो जीरो, टोटल जीरो होता है। इसके आधार पर यह कैलकुलेशन निकला कि अगर हम प्लस टू लेते हैं और माइनस टू लेते हैं जोड़ते हैं तो जीरो हो जाएगा, प्लस फाइव लेते हैं माइनस फाइव लेते हैं जोड़ते हैं जीरो हो जाएगा, प्लस क्यू लेते हैं माइनस क्यू लेते हैं जोड़ते हैं जीरो हो जाएगा। तो जब किसी भी बॉडी को रगड़ा जाता था तो देखा गया था जितना चार्ज इस पर होता है उतना ही चार्ज इस पर होता है, दोनों को मिला देते हैं तो कितना हो जाता है, तो जीरो हो जाता है। तो इसके आधार पर यह नाम किया दिया गया, नाम क्या दिया गया, तो दो आवेश का नाम दिया गया, एक का प्लस और दूसरे का माइनस, मतलब एक चार्ज का नाम दिया गया पॉजिटिव यानी धनावेश और दूसरे का नाम दिया गया निगेटिव मतलब ऋणावेश। लेकिन यह प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का नाम किसके द्वारा रखा गया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज होता है, इस बात को किसने कहा था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। ड्यूफे ने कहा था कि चार्ज दो तरह का होता है, नाम नहीं दिया था, नाम किसने दिया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ज के प्रकृति के बारे में किसने बताया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। प्रकृति का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और निगेटिव मतलब चार्ज के प्रकृति के बारे में बताया था। उसके बाद आ जाइए इसमें नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखा हुआ है ध्रुवता यानी पोलरिटी का परिभाषा। पोलरिटी का परिभाषा क्या होता है, तो आप जान गए कि चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, वह प्रॉपर्टी वह गुण जिसके कारण दोनों में विभेद हमको पता चलता है कि हाँ यह पॉजिटिव होगा और यह निगेटिव होगा, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है पोलरिटी ऑफ चार्ज यानी आवेश की ध्रुवता। आवेश की ध्रुवता वस्तु का वह गुण है जिसके कारण हम यह पता लगाते हैं कि कौन सा वस्तु पॉजिटिव है और कौन सा वस्तु निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव में विभेद करने वाला जो गुण होता है उस गुण को कहा जाता है पोलरिटी। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि चार्ज दो तरह का अगर है, एक पॉजिटिव और निगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब लाइक चार्ज, निगेटिव निगेटिव का मतलब लाइक चार्जेस। अगर प्लस माइनस लेते हैं तो उसको बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। तो अगर लाइक चार्जेस है तो आप पढ़ चुके हैं कि दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, और अगर अनलाइक चार्जेस है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, यह पढ़ चुके हैं। तो इसी बात को कहा गया है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी का मौलिक नियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मौलिक नियम क्या कहा गया है, तो इसी को कहा गया है कि अगर आप सेम नेचर का चार्ज लेते हैं तो दोनों में रिपल्सन होता है और अपोजिट नेचर का चार्ज लेते हैं तो दोनों में अट्रैक्शन होता है। इसी बात को कहा गया है स्थिर वैद्युतिकी का मौलिक नियम। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि अगर हमको किसी बॉडी में चार्ज है या नहीं है उसको मापना है या पता लगाना है कि चार्ज है या नहीं है, तो किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं चार्ज को मापने के लिए उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप मतलब विद्युत दर्शी। तो इस तरह चार्ज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना होगा, और इन पॉइंट्स से रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो इस तरह चार्ज से रिलेटेड सारा टॉपिक हम लोग पढ़ लिए, चार्ज का जितना भी टॉपिक था वह सारा पढ़ लिए। और अगर चार्ज से रिलेटेड सारा टॉपिक आप पढ़ लिए तो इसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, मतलब आपको याद है कि नहीं है इसको चेक करना है तो आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाने के लिए हम आप लोगों को असाइनमेंट दे रहे हैं। असाइनमेंट अभी हम पेज बाय पेज देते जा रहे हैं, उस पेज को रोक रोक के आप लोगों को असाइनमेंट का सोल्यूशन करते जाना है। अगर संभव हो तो आप अपना कॉपी में उस क्वेश्चन को लिखिए, उसके आंसर नीचे लिखिए। तो चलते हैं आगे असाइनमेंट की ओर। तो इस तरह आप लोगों के स्क्रीन पर असाइनमेंट दिख रहा है। असाइनमेंट में देखिएगा, सबसे पहले हम आप लोगों को दे रहे हैं मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन। मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन में एक ऑप्शन ही सही है। पहला क्वेश्चन है स्थिर वैद्युतिकी में किसका अध्ययन होता है, दूसरा क्वेश्चन है आवेश
स्केलर है कि वेक्टर है या टेंसर है, क्या है आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन में आपसे आवेश का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। चौथा क्वेश्चन में वन ईएसयू का मान कुलम्ब में, और पांचवा में एक कुलम्ब का मान आपको बताना है ईएसयू में। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाँच है इसमें। छठा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वस्तु के आवेश की प्रकृति क्या होगी। सात नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके द्रव्यमान का क्या होगा। आठवां में है, आवेश का विमीय सूत्र बताना है आपको। नौ नंबर क्वेश्चन है कि वह वैज्ञानिक का नाम बताना है आपको जिसने आवेश दो प्रकार का होता है यह बात कहा था। दस नंबर में आपको बताना है उस वैज्ञानिक का नाम जिसने आवेश का बीजीय चिन्ह दिया था। तो इस तरह दस क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल टाइप ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 11 नंबर है, यदि किसी वस्तु से 5 सेकंड तक 3 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक पर आवेश क्या होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे प्रोटॉन का आवेश पूछा जा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है, वह कण जो विद्युत क्षेत्र में विचलित नहीं होता है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा वह कण विचलित नहीं होता है जिसमें आवेश नहीं हो, अगर किसी में आवेश होगा तो विचलित होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, वह जो विद्युत क्षेत्र में विचलित होता है तो वही विचलित होगा जिसमें आवेश होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में है, सोडियम परमाणु के नाभिक का आवेश आपको बताना है। 16 नंबर में क्लोरीन परमाणु का आवेश बताना है। 17 नंबर में है कि 1.6 ग्राम ऑक्सीजन तत्व में धनावेश एवं ऋणावेश का वैल्यू बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन में 98 मिलीग्राम H2SO4 पर धनावेश एवं ऋणावेश का वैल्यू बताना है। 19 नंबर में है, प्रोटॉन का द्रव्यमान एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो पूछा गया है। 20 नंबर में है, न्यूनतम संभव आवेश को क्या बोला जाता है, क्या उसको बताना है। 21 नंबर में आपका क्वेश्चन है, मूल आवेश का वैल्यू बताना है। 22 नंबर में है, आवेश क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार कौन सा फॉर्मूला सही है यह आपको खोजना है। 23 नंबर क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल है, जिसमें कहा गया है यदि किसी वस्तु से 500 इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो वस्तु पर आवेश कितना होगा बताना है आपको निकाल के। 24 नंबर में है, यदि किसी वस्तु पर -4.8×10^-18 कूलम का आवेश है तो वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, मतलब इसमें चार्ज का वैल्यू भी निकालना है और अधिकता कमी के बारे में भी पूछ रहा है। 25 नंबर में है, क्या किसी वस्तु पर 32×10^-21 कूलम का आवेश संभव है, इसमें बताए थे कि इनका वैल्यू निकालते हैं, इंटीजर होगा तो संभव है, इंटीजर नहीं होगा तो संभव नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन में है, आवेश क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का आवेश हमेशा पूर्ण गुणज होता है, किसका पूर्ण गुणज होता है बताना है। 28 नंबर में है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से किसी निकाय का आवेश हमेशा होता है, क्या होता है आप खोज लेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में है, यदि किसी निकाय में +3 μC तथा -3 μC का दो कण है तो निकाय का कुल आवेश कितना होगा, इसमें जोड़ देना है आपको। 30 नंबर क्वेश्चन है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में संचरित किया जा सकता है, यह कौन सा सिद्धांत है सो आपको बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आवेश योज्यता के सिद्धांत से आवेश को जोड़ा जाता है, यानी आवेश को किस नियम से जोड़ते हैं लिखना है। 32 नंबर में है, Q1 तथा Q2 आवेश का दो समरूप वस्तु एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, जब इन्हें अलग कर दिया जाता है तो प्रत्येक का आवेश कितना होगा, यह समझा चुके हैं आप लोगों को। 33 नंबर में है, संपर्क के द्वारा आवेशन में दो वस्तु को क्या करना होता है आपको बताना है। 34 नंबर में है, जब इवोनाइट छर को बिल्ली के खाल में रगड़ा जाता है तो बिल्ली का खाल क्या हो जाता है, पॉजिटिव निगेटिव बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 34 है, जब इबोनाइट छर को बिल्ली के खाल में रगड़ा जाता है तो बिल्ली का खाल क्या हो जाता है सो बताना है। 35 नंबर क्वेश्चन है, जब कंघी को सूखे बाल पर दोहराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन संचरित होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसमें से किसमें जाएगा यह आपको बताना है। जब किसी अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए आवेशित किया जाता है तो यह कौन सा आवेशन हुआ, बिना स्पर्श किए हुए आवेशित करने में कौन सा आवेशन हुआ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि किसी अनावेशित वस्तु को +20 μC आवेश वाले दूसरे वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तथा जब अलग कर दिया जाता है तो आवेश होगा, इसमें आवेश कितना हो जाएगा आपको बताना है। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक अनावेशित पीथ बॉल दूसरे आवेशित बॉल के द्वारा आकर्षित हो सकता है, इसका कारण आपको बताना है कि किस कारण आकर्षित हो सकता है। 39 नंबर क्वेश्चन में है, एक कूलम्ब का आवेश जमा करने के लिए संचरित इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना होगा, इलेक्ट्रॉनों का संख्या एक कूलम्ब के लिए बताना है। 40 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का गुण है, आवेश का गुण इसमें से कौन कौन सही है सो आपको खोजना है, जो गलत होगा उसको छांट देना है। अब आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है एक सेंटेंस में। पहला क्वेश्चन है आवेश को परिभाषित करें, सेकंड आवेश अदिश है या सदिश बताना है आपको, तीसरा क्वेश्चन है आवेश का एसआई मात्रक लिखना है, चौथा क्वेश्चन में है ईएसयू तथा ईएमयू में क्या संबंध है, मतलब एक ईएसयू बराबर कितना ईएमयू होता है या एक ईएमयू बराबर कितना ईएसयू होता है, सो लिखना है। पांच नंबर क्वेश्चन है क्या गति के कारण किसी वस्तु के आवेश में परिवर्तन हो सकता है, यानी गति के कारण आवेश बदल सकता है कि नहीं बदल सकता, ये आपको बताना है। छठा क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सात नंबर क्वेश्चन है आवेश का सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा मात्रक आपको लिखना है। आठ नंबर क्वेश्चन है एक वस्तु धनावेशित है, धनावेशित होने का क्या मतलब हुआ, सो आपको बताना है। नौ नंबर क्वेश्चन अल्फा कण का आवेश क्या होता है। दस नंबर में परमाणु उदासीन होता है क्यों, परमाणु के उदासीन होने का कारण बताना है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है मूल आवेश क्या होता है, इसका परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा। बारह नंबर क्वेश्चन आवेश संभव है या नहीं यह कैसे पता लगाते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन में है किसी वस्तु के आवेशन का क्या कारण। चौदह नंबर क्वेश्चन में है कि किसी धातु के गोले को बिना स्पर्श किए हुए आवेशित किया जा सकता है। पंद्रह नंबर में सेवन नाइट्रोजन 14 के नाभिक का आवेश निकालना है। सोलह नंबर क्वेश्चन किसी दिए गए यौगिक के द्रव्यमान में धनावेश एवं ऋणावेश का फॉर्मूला लिखना है। सत्रह नंबर में 1.8 ग्राम H2O में परमाणुओं का संख्या, परमाणुओं का संख्या आपसे पूछा जा रहा है। अठारह नंबर H2SO4 के एक अणु में प्रोटॉनों का संख्या बताना है आपको। उन्नीस नंबर में एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। बीस में आवेश क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या है। इक्कीस आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। बाईस आवेश योज्यता का सिद्धांत क्या है। तेईस आवेश के किन्हीं दो मौलिक गुणों को लिखना है। 24 में आवेश क्वांटमीकरण का मुख्य कारण क्या है। और 25 नंबर क्वेश्चन है विद्युत तत्व के लिए इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में से कौन उत्तरदायी होता है यह आपको बताना है। अब आपके स्क्रीन पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसका आंसर मिनिमम चार लाइन होना चाहिए, मैक्सिमम एक पेज आप यूज कर सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है आवेश का कोई पाँच मात्रक लिखें। 27 विद्युत तत्व के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है क्यों। 28 नंबर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा कण बीटा कण एवं गामा किरण का आवेश लिखना है आपको। 29 नंबर क्वेश्चन है घर्षण के द्वारा आवेशन से आप क्या समझते हैं। 30 नंबर संपर्क के द्वारा आवेशन से क्या समझते हैं इसका वर्णन भी करना है। 31 नंबर में है प्रेरण के द्वारा आवेशन क्या है। 32 जब किसी कंघी को सूखे बाल पर दौड़ाया जाता है तो यह कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित करता है क्यों। 33 हवाई जहाज के टायर पर चालक पदार्थ का लेप क्यों चढ़ाया जाता है। 34 ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने वाली गाड़ियों के चालक में चालक पदार्थ का सिक्कर लटकाया जाता है क्यों। 35 नंबर क्वेश्चन है क्या कोई आवेशित वस्तु अपने निकट रखे अनावेशित वस्तु को आकर्षित कर सकता है, अगर कर सकता है तो इसका वर्णन करें। 36 नंबर क्वेश्चन में विद्युत आवेश का कोई पांच गुण लिखना है। 37 आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर लिखना है। 38 नंबर में जब तार से उच्च विभवांतर की धारा प्रवाहित की जाती है तो तार पर बैठी चिड़िया उड़ जाती है क्यों, इसका कारण आपको बताना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से, जो कि हम टॉपिक पढ़ाते टाइम भी सबका सॉल्यूशन करवा चुके हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में है उदाहरण 1.1 लिखा हुआ, आप किसी धातु के गोले को स्पर्श किए बिना कैसे आवेशित कर सकते हैं। 40 नंबर में है एग्जाम्पल 1.2 का, यदि किसी पिंड पर एक सेकेंड में 10^9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होती है तो एक कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। 41 नंबर क्वेश्चन लिया गया है 1.3 एग्जाम्पल से, एक कप जल में कितने धनावेश या ऋणावेश होते हैं। फिर से एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है लेकिन एक्सरसाइज का। 42 नंबर क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.4 का ए लिखा हुआ है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटमीकृत होता है, इस प्रकथन का क्या तात्पर्य है। फिर 43 नंबर में 1.4 एक्सरसाइज का बी क्वेश्चन है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेशों के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं, ये दोनों का आंसर हम लिखवा चुके हैं। 44 नंबर 1.5 एक्सरसाइज से लिया गया है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े में रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है, इसी प्रकार की परिघटना वस्तु के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है, स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है, इसके बारे में भी आप लोगों को समझा चुके थे। 45 नंबर लिया गया है एक्सरसाइज 1.11 से, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3.10^-7 कूलम्ब के ऋणावेश से आवेशित पाया गया है। ए में क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्थानांतरित
इलेक्ट्रॉन का संख्या बताइए, और यह भी बताना है कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में गया है। बी में है क्या ऊन से पॉलीथीन की ओर संगति, संगति का मतलब होता है द्रव्यमान यानी मास का भी स्थानांतरण होता है। अब आपके स्क्रीन पर एम करीम का न्यूमेरिकल दिख रहा है, जिसमें पहला क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉन का संख्या दिया हुआ है और आवेश निकालना है। दूसरा क्वेश्चन 47 में है, जिसमें फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और आपको क्यू का वैल्यू निकालना है। 48 नंबर क्वेश्चन है, 10^5 फिर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आपको निकालना है क्यू का वैल्यू। 49 नंबर में आपको दिया गया है फिर से 2 अरब है इलेक्ट्रॉन का संख्या, आवेश निकालना है। सब में सेम तरह का क्वेश्चन है। 50 नंबर में पांचवा क्वेश्चन है, इसमें चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है +1 कूलम, और आपसे पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है। 51 छः नंबर क्वेश्चन है, और इसमें देखिएगा तो +1 माइक्रो कूलम यानी फिर से क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एन का वैल्यू आपको निकालना है। 52 नंबर क्वेश्चन में ABC तीन पार्ट है, तीनों पार्ट में देखेंगे आप लोग तो क्यू का वैल्यू दिया हुआ है और आपको एन का वैल्यू निकालना है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। 53 नंबर में क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि यह चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, फिर से एन का वैल्यू निकालेंगे। 54 में भी वही चीज़ है, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है पॉसिबल है या नहीं है, यानी सेम क्वेश्चन है। 55 में फिर देखेंगे, इसमें भी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है और फिर सेम चीज़ पूछा जा रहा है पॉसिबल है या नहीं है, यानी इसमें तीनों क्वेश्चन एकदम सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। अगर इंटीजर होगा तो पॉसिबल है, इंटीजर नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह आप लोगों ने ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस को देखा, और ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस में आप लोग को वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सबका सॉल्यूशन करें, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखें, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखें, लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन का भी सोल्यूशन करें, न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल को सोल्व करें। लेकिन न्यूमेरिकल को सोल्व करना है तो स्टेप बाय स्टेप, जो कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद फॉर्मूला लिखिएगा, फॉर्मूला के बाद न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके आधार पर वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद लास्ट में यूनिट डालना कंपलसरी है, तो जो वैल्यू पूछा जा रहा है उसका यूनिट भी भरेंगे। तो इस तरह सभी क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, और इसका आंसर हम आपको किसी रूप में कंपेयर करा देंगे। तो इस तरह लेक्चर 6 कंप्लीट होता है, और लेक्चर 6 के कंप्लीट होते ही हम आप लोगों को एक उपदेश देना चाहेंगे, और यह उपदेश मेरा नहीं है, हमारे पूर्वजों का है, आपके पूर्वजों का है, और इस उपदेश को बेस मान के ही हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्या उपदेश देना चाहेंगे, यह एक कहानी से समझिए। हम लोग 4-5 दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे, और हम लोगों की गप सप का टॉपिक था कि आज के दुनिया में किसका इज्जत होता है, आज के दुनिया में किसका इज्जत होता है। तो किसी दोस्त का कहना था कि पैसे का इज्जत होता है, किसी दोस्त का कहना था कि संपत्ति का इज्जत होता है, किसी दोस्त का कहना था कि आदमी में जो क्वालिटी होता है उसका इज्जत होता है। तो इसी पर हम लोग का डिस्कशन चल रहा था। इस डिस्कशन को हम लोग हमारे दोस्त के दादाजी थे ऊपर ही गौर से सुन रहे थे। वो धीरे धीरे चुपके चुपके चल के हम लोग के पास पहुंचे, और पहुंच के कहा कि बउआ हमू बताई तो नहीं के। तो उन्होंने हम लोग को बताने का कोशिश किया, हम लोग क्या, हाँ दादाजी बताइए ना, जरूर बताइए। उन्होंने बताया कि बउआ न धन का इज्जत होता है, न पैसा का इज्जत होता है, न संपत्ति का इज्जत होता है, अगर इज्जत होता है तो ज्ञान का इज्जत होता है, विद्या का इज्जत होता है, और आप में जो संस्कार है उसका इज्जत होता है। तो अगर आपको इज्जत चाहिए तो इज्जत पाने के लिए आप में क्या होना चाहिए, तो आप में विद्या होना चाहिए, आप में बुद्धि होना चाहिए, आप विद्वान होने चाहिए, आप में लोगों को आदर करने का गुण होना चाहिए, मतलब संस्कार होना चाहिए। तो यह सब अगर आप में है तो आपका इज्जत इस दुनिया में होगा। आप जरा पीछे हिस्ट्री को देखिए, हिस्ट्री पढ़ाया जाता है तो क्यों पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री पढ़ाने का मेन मकसद यही होता है कि पीछे जमाने में जो लोग करके गए हैं उन लोगों के इतिहास को हम लोग देखते हैं कि कौन आदमी किस काम को किया गया है, करके गए हैं, जिसको हम लोग अच्छा मानते हैं, और उस अच्छाई के आधार पर उनका जयकार करते हैं। कौन सा आदमी किस टाइप का बुरा काम करके गया है, जिस काम के कारण उसको हम लोग गाली देते हैं। तो हिस्ट्री पढ़ाई का मेन मकसद होता है उस हिस्ट्री को अपने दिमाग में सेट करना, और कुछ उस हिस्ट्री से कुछ सीख लेना।
कि अगर कोई बुरा काम किया है तो उसको अभी भी हम लोग गाली देते हैं। जितना हिस्ट्री में देखेंगे जितने लोग हैं जो गलत काम किए हैं उनका हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपके मन में आएगा कि नहीं बड़ी गड़बड़ आदमी था, और जो अच्छा काम किए हैं उनका हमेशा हम लोग जय जयकार करते हैं। तो हम यह जो इज्जत होता है अपने कर्मों का होता है, अपने विद्वता का होता है। तो हमारी यही शुभकामना है आप लोगों से कि अपने कर्म के आधार पर आगे बढ़िए, अपने आप को विद्वान बनाइए, और यह विद्वान तभी अपने आप को आप बना सकते हैं जब आप में हर तरह का क्वालिटी होगा। मतलब आप पढ़ाई में भी आगे रहना चाहिए, सामाजिक कार्य में भी आपको आगे रहना चाहिए, लोगों का आदर सत्कार करने में भी आपको आगे रहना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। तो इसी उपदेश के साथ हम अपना छठा लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का आएगा कूलम्ब्स लॉ। अगला टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होगा कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब्स लॉ का शुरुआत होगा लेक्चर 7 से। तो तब तक के लिए क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन कीजिए और वेट कीजिए कूलम्ब्स लॉ का। ओके, थैंक यू वेरी मच।